Yes, hello, good morning everyone. Welcome to the session. Today is 10th of January and we are here for the current affairs class. तो आज है 10 जनवरी और हम लोग यहाँ पे current affairs class के लिए बिल्कुल सुबह 8 बजे जुड़ चुके हैं सेशन में. तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस कल हमने बहुत सारे डिस्कस किए भी थे, आज भी बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं. तो जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं और कल के क्वेश्चंस हम रिवाइज भी कर लेते हैं, है ना. तो एक दिन में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा होता है. तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल रेडी स्टडी गो मोड में हो जाइएगा और हाँ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बातें सुनिएगा. आज देखिए 10th of January है और आज CDS में फॉर्म भरने का लास्ट डे है, ठीक है. 10th of January 2023 है और CDS 1 2023 का फॉर्म फिलिंग का आज लास्ट डेट है. तो आप लोग जल्दी से 2023 के लिए फॉर्म भर दीजिए. ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है. अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे. और जीके थोड़ा सा आता है. और जो लड़के हैं, लड़के लड़कियों को बस इतना ही करना है, इंग्लिश और जीके, ठीक है. लड़के जो हैं अगर वो देना चाहते हैं ये वाला तो ठीक है, वो OTA के लिए फॉर्म भर सकते हैं. अदरवाइज उनको अगर थोड़ा सा मैथ्स आता है, वो भी बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का 10th का मैथ्स आता है, तो वो IMA का फॉर्म भर सकते हैं. ये अचीवर्स बैच है CDS का, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. कोड आपको पता है, Y332 कोड है, तो आप इसको यूज कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, राइट. यस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया, नहीं ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ठीक है. हाँ, जय हिंद, बिल्कुल. हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो दिस इज द थिंग. एंड देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैम मेरे को CDS की भी प्रिपरेशन करनी है, FCAT की भी प्रिपरेशन करनी है और बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, तो आप डिफेंस का महापैक ले लीजिए. उसी तरह इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या BTECH किया है और आप चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन करना, तो आप इंजीनियरिंग का महापैक ले सकते हैं. कोड आपको पता है, Y332, ठीक है. पहला सवाल आपके लिए है कि इंडिया हैव हाउ मेनी इंडिजीनियस लाइवस्टॉक ब्रीड्स. लाइवस्टॉक ब्रीड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे गाय भैंस हम लोग पालते हैं, तो उसमें कितने तरह का, कितने प्रकार का हमारे पास ब्रीड है. देखिए, इनका भी सेंसस होता है, इनकी भी गणना होती है ना. एडवल कह रहे हैं कि सुबह से गया था, 5 बजे सुबह से रनिंग और 6 बजे का क्लास है और अब आपकी क्लास है. वाह, आइडियल रूटीन है बच्चे का. देख रहे हैं आप लोग सुबह के ठंड के टाइम में, तो एडवेल कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं. सुबह से पढ़ रहा है एडवेल और रनिंग भी हो चुकी है इसकी. टोटल नंबर ऑफ ब्रीड्स कितने हैं हमारे पास? 2,212 ब्रीड है. 2022 के अकॉर्डिंग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR कहते हैं इसको, ठीक है. तो इसका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज. तो देखिए, ICAR का ना बहुत सारा विंग है, तो ये एनिमल के लिए क्या है, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, कहता है कि 10 नए ब्रीड को रजिस्टर किया गया है और इसमें 3 कैटल है, 1 जिसमें से कैटल मतलब क्या, जो चढ़ता है, ठीक है. तो उसमें 1 बफेलो है, 3 गोट है और 3 पिक्स भी है, राइट. तो 3 कैटल, 1 बफेलो, 1 गोट और 3 पिग, तो ये सब मिलाकर 10 नए ब्रीड डाले गए हैं. और इंडिजीनियस प्रजाति के, देखिए जर्सी गाय सुने हैं ना, जो बाहर की गाय होती है, लेकिन अपने देश की इंडिजीनियस प्रजाति की गाय टोटल, गाय भैंस सब मिला के टोटल 212 है, ठीक है. नेशनल स्टेट गवर्नमेंट हैज डिमांडेड नेशनल स्टेट फॉर गंगा सागर मेला. तो गंगा सागर मेला जो है ये किस स्टेट का है? गंगा सागर मेला, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है गंगा सागर मेला किस स्टेट का है, ये जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. यस, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन. बिल्कुल पढ़ाई करिए, एकदम मूड में है सबको पढ़ाई करने के. तो गंगा सागर मेला जो है वेस्ट बंगाल का है, है ना, ममता बनर्जी जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमारे स्टेट में मनाए जाने वाले गंगा सागर मेला को नेशनल स्टेटस दे दीजिए। मेला जो है वो 8 से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में सागर आइलैंड में मनाया जाएगा और 24 परगना वेस्ट बंगाल में ही है, इस डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि 3 नए हेलीपैड भी लगाए जाएंगे सागर आइलैंड में। सागर आइलैंड का मतलब क्या है कि गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो इस तरह से छितरा जाती है ना। छितराने को हम लोग डेल्टा फॉर्मेशन भी कहते हैं कि डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें इसी बीच में कोई कोई आइलैंड बन जाता है, उसी में से एक आइलैंड का नाम है सागर आइलैंड। और सागर आइलैंड जो है वेस्ट बंगाल में 24 परगना साउथ डिस्ट्रिक्ट का भी पार्ट है। केरला के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने प्रेजेंट किया है सबसे पहले गौड़ी अम्मा पुरस्कार। तो गौड़ी अम्मा पुरस्कार किसको मिला है ना। एकदम ही एनर्जी का लेवल कम है क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से पढ़ाई कीजिए। चरण स्पर्श कह रहे हैं सोबित, बिल्कुल जीते रहो, खुश रहो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आंसर क्या है, अलेडा गोयवाड़ा। पहला गौड़ी अम्मा पुरस्कार केरला के सीएम पिनराई विजयन ने दिया है क्यूबन चाइल्ड आर्टिस्ट राइट्स को, यानी कि क्यूबा का ये चाइल्ड राइट्स के लिए ये काम करते हैं, एडवोकेट है और ये डॉटर है किसकी, ये डॉटर है चे गोवेरा की, ठीक है। तो क्यूबा एक देश है, क्यूबा ये कैरेबियन आइलैंड्स में है, वहां पे बहुत फेमस एक रेवोल्यूशनरिस्ट थे जिनका नाम था चे गुवेरा। उनकी बेटी है और वकील है, बच्चों के हक के लिए काम करती है अलेडा गुवेरा। तो इनको केरला के सीएम पिनराई विजयन ने सबसे पहले गौड़ी अम्मा अवार्ड से पुरस्कारित किया है, पहला अवार्ड दिया गया है। फिर आप देखेंगे एज पर सर्वे ऑफ अवतार, ठीक है। तो सर्वे ऑफ अवतार के अकॉर्डिंग कौन सा शहर है जिसने टॉप किया है विमेन एम्प्लॉयमेंट में। तो विमेन जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे ही है नौकरी करते हुए। कौन सा शहर है जिसने विमेन एम्प्लॉयमेंट में टॉप किया है, चेन्नई है, ठीक है। तो ये एक सर्वे किया गया है बाय अवतार, जो कि कंपनी है, स्पेशलाइज्ड कंपनी है वर्क प्लेस इंक्लूजन की। ये कहता है कि इंडिया ने टॉप किया है, टॉप सिटी फॉर विमेन एम्पावरमेंट या एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद पुणे है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और मुंबई है, ठीक है। क्या आपके शहर में भी विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन पार्टिसिपेशन है। इंडिया विल डेवलप आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर हाउ मेनी कंट्रीज। देखिए हमारा आधार जो है वो एकदम हिट कर गया है, UID है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमने शुरू किया है, ये आधार हम टोटल 9 अलग अलग देशों को भी हेल्प कर रहे हैं उनके लिए आधार बनाने के लिए। वो देश कौन से हैं, वो देश है फिलीपींस है, मोरक्को है, श्रीलंका है, युगांडा है, यूथोपिया है, रिपब्लिक ऑफ गिनी है, सेरा लियोना है, ठीक है, बुर्किना फासो है, टोगो। ये सारा ज्यादातर अफ्रीकन है। फिलीपींस आपको पता है कि ये आपका एशिया पैसिफिक में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपब्लिक, तो ये टोगो रिपब्लिक है, ये भी अफ्रीका का एक छोटू सा देश है। जैसे अफ्रीका का अगर आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा टोगो, ठीक है। तो टोगो देश आपको यहाँ मिलेगा। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर IIITB ने डेवलप किया है आधार लाइक डिजिटल आइडेंटिटीज फॉर 9 अलग अलग देशों के लिए, ठीक है। इनको कहा गया मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म मॉसिप। फाइन, तो मॉसिप जो है हमने दूसरे देशों के लिए बनाया आधार की तरह। सीईओ कौन बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। तो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, इनका नाम है सुरेंदर चावला, ठीक है। सुरेंदर चावला इनका नाम है, ये न्यू सीईओ बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, इसको याद रखना है। अगला सवाल है कि एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट, ठीक है। तो एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि आसमान में कुछ एकदम अलग अलग टाइप का सेलेस्टियल बॉडी का कुछ शो होगा और हम देखेंगे। तो इंडिया गेट पे एस्ट्रो टूरिज्म शुरू किया गया है। इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इनॉग्रेशन किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। ये राज्य मंत्री है फॉर कल्चर, ठीक है। तो कल्चर में यानी कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए स्काई शो होता है ना, उसी टाइप का है ये। तो दिल्ली में इसको किया गया है और ये 6 जनवरी 2023 को हुआ इंडिया गेट पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सुनील बाबू जी का निधन हो गया है। सुनील बाबू 50 साल में इनका निधन हो गया है। इनको हम क्यों जानते थे? क्या ये आर्ट डायरेक्टर थे? क्या ये म्यूजिशियन थे? क्या ये एक्टर थे या पोएट थे? तो सुनील बाबू जो है ये आर्ट डायरेक्टर थे। सुनील बाबू, इनका निधन हुआ केरला में और ये 6 जनवरी को हुआ। 50 साल के ये थे, आर्ट डायरेक्टर थे। इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और अभी इनका निधन हो गया है। इन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल और हिंदी मूवीज में आर्ट डायरेक्शन किया है और प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे ये, ठीक है। फिर आप देखेंगे हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन WTA सिंगल्स। WTA सिंगल्स, गाइज आर यू विथ मी? एम आई गोइंग टू फास्ट? इज द सेशन फाइन? ठीक लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? सेशन इज फाइन, राइट? यस, हेलो एवरीवन। सर्दी लग जाएगी तो सुबह थोड़ा सा हल्का सुसुम पानी पी लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो जल्दी से आप लोग आंसर देना शुरू कर दो। द सेशन इज फाइन, है ना? द स्पीड इज नॉट वेरी फास्ट। देखो, एक दिन में ज्यादा पढ़ाई करनी है, बाकी लोगों से आगे पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा तो स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इज गुड, ऑल गुड, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा, शी विल रिटायर एट WTA 1000 इवेंट इन दुबई February 2023। तो WTA जो वर्ल्ड टेनिस का टूर्नामेंट होगा उस फरवरी 2023 में होगा, उसके बाद ये रिटायर कर जाएंगी। टेनिस खेलती हैं और फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने WTA सिंगल्स जीता था। और ये इनका होम टाउन क्या है? हैदराबाद है। आपको पता है शोएब मलिक से इन्होंने शादी भी की है। Who became the first online bond platform provider to receive a debt brokerage license from SEBI? तो देखिए SEBI से इनको मिला है डेप्ट ब्रोकेज लाइसेंस, ठीक है। डेप्ट ब्रोकेज लाइसेंस का मतलब, डेप्ट का मतलब होता है कि उधारी। तो अगर मान लीजिए उसके लिए लाइसेंस होगा तो ये मतलब उधार ले सकते हैं। और ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म तहत मिला है, ये है गोल्डन पीआई टेक्नोलॉजी को मिला है। तो when the development golden PI technology became the first online bond platform provider to receive a debt brokerage license from SEBI, ठीक है। तो SEBI से इनको ये मिला है ऑनलाइन डेप्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट सवाल है कि which bank has partnered with Open to provide a fully digital current account? फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट के लिए किस बैंक को अभी मिला है? ये इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विथ ओपन टू प्रोवाइड अ फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट जर्नी फॉर इट्स कस्टमर, SMEs, फ्रीलांसर, होमप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर एंड मेनी मोर। नेक्स्ट आप देखेंगे एज पर सीरम रिपोर्ट हनेडा एयरपोर्ट वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट। हनेडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? हनेडा एयरपोर्ट जो है इंडिया में है, चाइना में है, रशिया में है या जापान में है? ठीक है, यस। तो ये जो है जापान में है, राइट। हनेडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? जापान में है। इसको आप देख लीजिए। अच्छा गाइज, हैव यू लाइक द सेशन एंड हैव यू शेयर द सेशन? सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज, अपने लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट सेकेंड्स को निकाल कर, है ना? यस, हनेडा एयरपोर्ट जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर और जल्दी से आंसर बता दीजिए। इन जनवरी 2023 Which state has begun the caste survey? देखिए caste census को लेके बहुत ज्यादा बातें हुई है कि caste census जिसमें जाति सर्वेक्षण कराया जाएगा, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? बिहार में स्टार्ट किया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया 7 जनवरी 2023 को कास्ट सर्वे सीएम नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि ओनली कास्ट एंड नॉट सब कास्ट। इस इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ कास्ट पूछा जाएगा और सब कास्ट नहीं पूछा जाएगा, और जितने भी हाउस होल्ड है वहां पे जाके ये गणना शुरू हो गई। भारत पेट्रोलियम हैज लॉन्च द लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर, है ना। तो ये बताइएगा कि बीएसएफ का है, इंडियन आर्मी का है, इंडियन नेवी का है या सीआरपीएफ का है। तो भारत पेट्रोलियम ने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल शुरू किया है इंडियन आर्मी के लिए। भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है हमारी पीएसयू है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि ये लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल बनाएंगे, ठीक है, किरासन का तेल जिसको कहते हैं। तो ये इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया और पहला ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसने कमेंस किया है सप्लाई इस तरह का इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट आप देखेंगे हाउ मेनी CSIR लैब will be turned into global centers of research and innovation। तो CSIR जिसको ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा। Yes, thank you everyone, thank you guys, and guys please do like the session and share the session, and please अगर लाइक शेयर नहीं करना है कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता है तो मेरे आंसर बताने के बाद आंसर दीजिए, क्योंकि मेन एजेंडा क्या है। वी आर नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग अगेन बिकॉज द करंट अफेयर्स आर सो वास्ट, यहीं पे पढ़कर याद कर कर जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 CSIR लैब्स इन इंडिया और ये ग्लोबल सेंटर्स बनाया जाएगा। ये देखें आप यहाँ पे कि ये राज्य मंत्री जो है हमारे फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जितेंद्र सिंह जी ने इसको किया है 1 वीक 1 लैब के तहत। 37 CSIR लैबोरेटरीज को हम ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं। व्हिच स्टेट हैज जॉइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री राइस स्कीम। तो फ्री राइस स्कीम में कौन सा स्टेट है? तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना ने डिसाइड किया है कि फ्री में चावल दिया जाएगा। चावल किस टाइप का क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। जब आपसे पूछा जाएगा कि MSME MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना खरीफ क्रॉप के लिए होता है, तो आप बोलेंगे 2% और राबी क्रॉप के लिए कितना होता है तो 1.5%। और हॉर्टिकल्चर के लिए कितना होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? यानी कि साग सब्जी फल। तो हॉर्टिकल्चर जो है इसके लिए 5% होता है। तो खरीफ और राबी में जब भी कंफ्यूजन होगा तो रबी क्रॉप में देखिए स्पेलिंग जो है इसकी छोटी है, तो इसलिए इसका जो सब्सिडी मतलब इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो भी कम है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये इंश्योरेंस की बात की जा रही है, इसको आप देख लीजिए। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फ्री राइस दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे द इंटेलिजेंट रे रिट्रीवल सिस्टम ITRS इंटेलिजेंस ट्रे रिट्रीवल सिस्टम, इसको इनॉग्रेट किया गया है किस स्टेट के एयरपोर्ट में? एवरीवन आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स गाइस, तो आंसर दो यार जल्दी जल्दी, क्या हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनर्जी का फ्लो नहीं है क्लास में, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गोवा में अभी मोपा एयरपोर्ट नया बना है ना, जो कि मनोहर पारिकर जी के नाम पे बना है, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो वहां पे ITRS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम इसको किया गया है। इनॉग्रेट किसने किया है? नारायण राणे ने किया है। ये MSME के मंत्री हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के लिए इसको किया गया है। फाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नो अबाउट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, राइट। अब देखिए हीराबा स्मृति सरोवर, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की मदर के नाम पे हीराबेन के नाम पे अब स्मृति सरोवर बना है और ये बना है गुजरात के राजकोट शहर में, ठीक है। तो एक चेक डैम को बनाया गया है गुजरात के राजकोट शहर में और ये 15 लाख रुपए इसका कॉस्ट है। उनकी मदर का नाम हीराबेन था जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है 100 इयर्स में, और हीराबेन स्मृति सरोवर इसको बनाया गया है। 400 फीट लंबा है और 150 फीट ये चौड़ा है। फाइन, नेक्स्ट आप देखेंगे एक नया किताब और न्यू बुक रेवोल्यूशनरीज। द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ठीक है, अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है संजीव सान्याल द्वारा। तो एक नोटेड इकोनॉमिस्ट है और पॉपुलर हिस्टोरियन है संजीव सान्याल। इन्होंने किताब लिखी है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन फ्रीडम। और ऐसे ऐसे इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। याद होगा आपको कि अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है और अभी लिखा गया है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन फ्रीडम। रेवोल्यूशनरीज जो हैं आपने उनके बारे में पढ़ा है, जैसे कि अनुशीलन समिति है। तो आप बताइए कि गदर पार्टी जो बनी थी, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हम अपने रेवोल्यूशनरीज को जानते हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो गदर पार्टी वो लोग थे जो भारत में नहीं रहते थे और भारत के बाहर से भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड श्रेय। इंडियन आर्मी हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एमओयू साइन किया गया है विथ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किस स्टेट के साथ साइन किया गया है? तो ये असम के साथ साइन किया गया है। तो जो एक्स सर्विसमैन है असम के, उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम दिया जाएगा और ये इंडियन आर्मी ने इसको साइन किया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? 26 स्कीम्स, जो कि टोटल 30 करोड़ रुपए का होगा। तो 26 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धम्मी ने 5 जनवरी 2022 को, देखिए जितने दिन क्लासेस नहीं हुई है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी क्लासेस के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी दिन क्लासेस नहीं हुई है 1 तारीख से लेकर अभी तक के सारे करंट अफेयर्स हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो ये 5 जनवरी की बात है कि एक हम यहाँ पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने पूरी तरह से क्या लॉन्च किया है? 26 स्कीम्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, 26 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। ये तो पता है तुमको कि गांधी जी इसी दिन वापस आए थे। तो गांधी जी इसी दिन वापस आए थे 1915 में, है ना? ओके, तो गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी को, बिल्कुल सही बात है। तो एनआरआई के लिए दिवस मनाया जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है ताकि उनका एंगेजमेंट, जो लोग भारत में नहीं रहते हैं, उनका एंगेजमेंट भारत में बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है इसको, उनके रूट्स को रिकनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, तो देखिए आप 22 क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकेंड सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है। Which state government has abolished revenue policing system? तो revenue policing system किसने शुरू किया है? ये उत्तराखंड ने ही शुरू किया है ना? तो revenue यानी पटवारी policing system को उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धम्मी ने 3 जनवरी को किया गया है। जितने भी रेवेन्यू विलेजेस हैं जहां से रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, उनको रेगुलर तरीके से पुलिसिंग किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। टोटल 1800 रेवेन्यू विलेजेस हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट आप देखेंगे एनटीपीसी ने स्टार्ट किया है भारत का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा, ये गुजरात में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनटीपीसी ने भारत में सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है पीएनजी से, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस से, और ये सूरत गुजरात में किया गया है। एनटीपीसी कोलैबोरेशन किया है गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। became the first इंडिया, मतलब एशिया का पहला कंट्री जिसने हाइड्रोजन पावर अर्बन ट्रेन को शुरू किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन एशिया में सबसे पहले कहां पे बनी है? तो ये बनी है चाइना में। ठीक है, तो ये अर्बन ट्रेन यानी शहरों में चलेगी। एशिया का पहला है और वर्ल्ड का सेकंड है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले जर्मनी ने इस काम को कर दिया था सितंबर 2022 में। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है ये चाइना में बनी है, चलेगी ये, और इसका स्पीड रहेगा 160 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये 160 किलोमीटर चलेगी और विदाउट रिफ्यूलिंग ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। चले नेक्स्ट आप देखेंगे सुरक्षा कवच प्रोग्राम। तो ये दिदिर सुरक्षा कवच प्रोग्राम, ये कहाँ पे है? दिदिर है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 2 प्रोग्राम को लॉन्च किया है, दिदिर सुरक्षा कवच प्रोग्राम और दिदिर डूट। तो ये पंचायत पोल्स के लिए किया गया है 2 प्रोग्राम को लॉन्च, ताकि एक वेलफेयर दिया जा सके। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारा स्कीम आ जाएगा, ठीक है। 5 लाख पार्टी वर्कर को यहाँ पे, अराउंड 2 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे काम दिया जाएगा। ये दिदिर सुरक्षा कवच प्रोग्राम है। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 मेंबर ऑफ यूरो जोन, विच कंट्री हैज बिकम द 20th मेंबर ऑफ यूरो जोन। तो यूरो जोन में क्रोएशिया को ऐड किया गया है, ये न्यूज पहले से भी चल रहा था। तो 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया को 20वां मेंबर बनाया गया है यूरो जोन के लिए, और इट बिकम द 27th कंट्री टू ज्वाइन द ये एरिया, यानी कि स्केजन एरिया को क्रोएशिया ने ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ सिंगापुर। गाइस, आर यू विथ मी? इज द क्लास वेरी फास्ट? कैन यू कोप अप? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। क्लास में 27 मिनट हो चुके हैं और हम 22+6 यानी कि 28 क्वेश्चन पे हैं। ईच क्वेश्चन 1 मिनट, राइट? Not more than that. So we can revise approximately 60 question per day. तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसन मो है, ये सिंगापुर बैंक ऑफ सिंगापुर के ये सीईओ बने हैं। फिर आप देखें सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है, ये 100 मीटर का ब्रिज है। ये देखिए, ये वाला हम फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर नहीं पता है। हम रिविजन सेशन भी चलाएंगे, राइट? रिविजन अभी होगा लास्ट में, जब कल के क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मंत्री हैं, और इन्होंने सियोम ब्रिज सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया है। रिसेंटली इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस को इनॉग्रेट किया गया है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखेंगे आप, केरला में किया गया है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस को शुरू किया है। कलेक्टरेट ग्राउंड इन कन्नूर केरला में किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्मार्ट प्रोग्राम क्यों है? आयुर्वेद के फील्ड में है। स्मार्ट का मतलब है स्कोप फॉर मेंटेनिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टेक्निकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग, यानी मेन स्ट्रीम करना है किस चीज को? आयुर्वेद और उसके रिसर्च के प्रोडक्ट्स को। तो टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए इसको किया जाएगा। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस CCRAS द्वारा किया जाएगा इसको, और NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा इसको किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द सियाचिन बैटलफील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत न्यूज में भी रहा है कि पहली जो महिला अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है सियाचिन के युद्ध क्षेत्र में, इनका नाम है शिवा चौहान ऑफ फायर एंड फुरी सैपर। ये पहली विमेन बनी है जिनको हाईएस्ट बैटलफील्ड वर्ल्ड में सियाचिन में डाला गया है। आप लोगों ने बहुत सारे वायरल वीडियोस और फोटोज भी देखे होंगे इनके, राइट? तो ये है शिवा चौहान, इनको याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बिफोर दिस आज तक कोई भी विमेन ऑफिसर को नहीं डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर फील्ड में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑपरेशन मेघदूत भी शुरू किया था 40 साल पहले की ये बात है। तो ये सब चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना? तो 1991 में कारगिल युद्ध में मेघदूत भी शुरू किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। Who has been appointed as the new managing director of LG Electronics India? तो LG कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? Who is the managing director of LG Company of India? इसको आप जल्दी से बताओगे कमेंट सेक्शन में। Yes. मैनेजिंग डायरेक्टर इज होंग जू जियॉन, ठीक है। होंग जू जियॉन है, ये साउथ कोरिया के हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉग्लोमरेट, ये LG जो है कंपनी भी साउथ कोरिया की ही है, और ये बन गए हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का उद्घाटन किया गया है। तो लैंड जिनका है उनको उसका अधिकार मिलेगा, इसके लिए एक योजना है ना। तो ये कहाँ पे किया गया है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है, इसको आप बताइए। तो ये है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। बागपुर पंचायत तिक्कमगढ़ से इसको किया गया है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आप देखें कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU सेक्रेटरी जनरल बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, और ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के APPU के। फर्स्ट टाइम इनको बनाया, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को बनाया गया है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन में सेक्रेटरी जनरल। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने का अधिगृहित किया है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि हम मटिया बाग हवा महल को प्रिजर्व करेंगे। ये है असम गवर्नमेंट ने किया है, इसको याद रखना पड़ेगा। मटिया बाग हवा महल कहाँ पे है, तो ये गौरीपुर रॉयल फैमिली जो कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट का है, इसको प्रिजर्व किया जाएगा और इसमें 15 करोड़ मतलब रुपए जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे, फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा ताकि यहाँ पे हवा महल को प्रोटेक्ट किया जा सके, मटिया बाग हवा महल। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्पोर्ट्स पर्सन वन वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल। देखिए इतना जल्दी आपको शायद ही इतना सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहीं बताया जाएगा, तो आप लोग जो है इसको जल्दी पढ़िए, है ना। वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल थोड़ा सा ये फंबल हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है, नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, इन्हीं को आर प्रज्ञानंद ने हराया था। वर्ल्ड नंबर 1 है ये, और यूनिक फीट ही वन द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस इन एलमाइटी, इन्होंने जीता है। फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया, बताइए कौन बन गए हैं भारत में फास्टेस्ट बॉलर, ये तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, हमको लगता है कि हमको ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फास्टेस्ट बॉलर का तुरंत आंसर आ जाता है। क्रिकेट का क्वेश्चन पूछ ले या मूवी का क्वेश्चन पूछ ले, फिल्म जगत का भी, पठान का रिलीज डेट पूछेंगे तुरंत बता दिया जाएगा। सबको ये भी बता देगा कि आज 11 बजे सुबह में उसका ट्रेलर लॉन्च होगा, बहुत अच्छे। तो उमरान मलिक ये इंडियाज पेस फेनोम बन चुके हैं 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सोच रहे हो, चाइना में जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ये 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, और ये T20 अगेंस्ट श्रीलंका में फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं, जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़कर। बुमराह का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा था। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, अच्छा यहां से रिवीजन शुरू है, ठीक है, क्योंकि कल जो बच्चा देखा होगा सेशन को वो पट आंसर बताएगा। हाँ, हम जानते हैं तुम लोग अच्छे से, ठीक है। अब एकदम रिवीजन शुरू हो चुका है, तुरंत आंसर चाहिए। एडवेल का आ गया, निधि का आंसर आ गया, सबसे पहले जो है अमित का आंसर आया है, बहुत अच्छे। तो आंसर आप लोगों को पता है 79, एक बच्चा आंसर देगा। 79 ग्रैंड मास्टर जो है प्रणेश एम है, बहुत अच्छा। इसमें कोई बातचीत नहीं करना है, सीधे टिक करते जाना है पट, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ बनने वाला है, जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में एवरीवन। रिवीजन शुरू हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे हम लोग, फिर और नए क्वेश्चंस भी हैं उनको भी करना है। तो ये भी आप लोगों को पता है, राउरकेला में हो चुका है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो बच्चा कल का सेशन देखा होगा वो बताएगा, जो नहीं देखा है वो एकदम आज से रेगुलर हो जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन कल फिर रिविजन में आएगा। अब देखिए, ऑक्टेव 2023 नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है, कहाँ पे होता है ऑक्टेव आपका तमिलनाडु में होता है। नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है लेकिन तमिलनाडु में इसको होस्ट किया जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर, सबको आंसर देगा। किस कंट्री को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमेकर बन चुका है? तो बिल्कुल जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमेकर बन चुका है। बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड किसको मिला है? किस यूनिट को मिला है? देखिए जो न्यू करंट अफेयर्स है ना गाइस, सुबह में जो कराते हैं सबसे पहले इसको याद करते जाना है, ठीक है, साथ साथ। और ये वाला जो डिवीजन करंट अफेयर्स है यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कल आप जो पढ़े हैं उसको आप रिकॉल करते हैं, राइट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेक्शन। तो नागपुर को मिला है, बिल्कुल सही बात है, नागपुर को मिला है। नागपुर को और डिस्ट्रिक्ट में बोलोगे तो जलना, जलना को, और सिटी में नागपुर को मिला है। नेक्स्ट आप देखेंगे लार्जेस्ट सिंगल कॉन्टिजेंट ऑफ विमेन पीस कीपर्स। तो भारत ने सबसे पहले सबसे बड़ा सिंगल कॉन्टिजेंट जिसमें सिर्फ विमेन पीस कीपर्स हैं, इसको कहां पे तैनात किया गया है? तैनात किया गया है सुडान में, सुडान में तैनात किया गया है। पर्पल फेस्ट, पर्पल फेस्ट इंडिया का फेस्टिवल फॉर इंक्लूजन, यानी कि सबको यहां पर मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो पर्पल फेस्ट को इनॉग्रेट किया गया है कहां पे? तो गोवा में किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है सबका, और सब बच्चा आंसर देगा। एक जिसको नहीं आता है वो भी आंसर देगा। आप बोलेगा कैसे आंसर देंगे? कुछ भी लग रहा है तुमको, तुम आंसर दो, कल से तुम्हारा ठीक हो जाएगा अगर आज से आप रेगुलर रहेंगे तो। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी, ये देख के हमको वो आई मूवी याद आ जाता है, यानी मधुमक्खी के काटने के लिए कौन सा वैक्सीन बनाया है, कौन देश बनाया है? अमेरिका बनाया है। फूल ब्रूड इसका नाम है, फूल ब्रूड, ठीक है, फाउल ब्रूड हो जाएगा, है ना, फाउल ब्रूड हो जाएगा। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 2023 में भारत में हो रहा है। सब 20 मना लेंगे हम लोग, Y20 भी मना लेंगे, Youth 20, G20, है ना। तो सबसे पहले इसको पुडुचेरी में सबसे पहली मीटिंग होगी, 31 जनवरी को मीटिंग होगी। तमिलसाई सौंदरराजन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी के, यहाँ पे ये मीटिंग होगी। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे होगी, जो कि मार्च 2023 में होने वाली है। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है गाइस? एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज नींद से जग जाइए, रिविजन सेशन चल रहा है। बहुत लोग आंसर नहीं दे रहा है, तो नाम देखते जा रहे कौन आंसर नहीं दे रहा है। घर तक आके पिटाई हो सकता है। तो ये न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। फिर आप देखेंगे कि Y20 यानी कि Youth 20 का थीम, लोगो और वेबसाइट किस मंत्री ने लॉन्च किया है? गाइस हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये किसने, कौन करेगा? जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्री होंगे वही ना करेंगे। तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने इसका समिट, लोगो, वेबसाइट सब लॉन्च कर दिया है। न्यू दिल्ली में ये होने वाला है। तो G20 के सारे देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। 3 दिन का नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेला लग रहा है। कृषि कुंभ मेला कहाँ लगेगा? त्रिपुरा में, नागालैंड में, मिजोरम में कि मेघालय में? तो ये कृषि कुंभ मेला कहाँ लगेगा? सबको आंसर दे रहा है मेघालय में लगेगा। बताए थे गाड़ो, खासी, जैंतिया तीनों पहाड़ है, मेघालय में है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हु बिकेम द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, हु किसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में RRR मूवी के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है SS राजामौली। SS राजामौली को ये मिला है, न्यूयॉर्क का फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड मिला है, ठीक है। हाउ मेनी मॉन्यूमेंट, कितने टोटल स्मारक हैं देश में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, जो कि गायब हो चुके हैं, गायब हो गए हैं 50 टोटल। अपने देश में 3,693 सेंट्रली, यानी कि जो केंद्र सरकार जिसको संरक्षित करता है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसमें से 50 गायब हो गए हैं, पता ही नहीं है कि टूट गया कि फूट गया, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर जितेंद्र सिंह ने कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? एकदम स्पीड में आंसर देना है, जैसे लगेगा कि कल ही एग्जाम है। रोज यही सोचो कि कल ही एग्जाम है और जल्दी जल्दी पढ़ो। और जो बच्चा ऐसा सोचता है कि कल एग्जाम है तो आज सोएंगे, तो वो मत सोचो कि कल एग्जाम है, वो सोचो कि परसों एग्जाम है, ठीक है। मोहाली पंजाब में है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, नाबी, ठीक है, मोहाली पंजाब में इसको बनाया गया है। राजा बाबू भी क्लास में आ चुके हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। Who has won 48th National Women Chess Championship? तो 48 नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? सिर्फ कोनेरू हम्पी नाम नहीं लिया जाएगा, और भी लोग खेलते हैं, ऐसे नहीं करो। दिव्या देशमुख ने जीता है। दिव्या देशमुख ने भक्ति कुलकर्णी को हराकर यहाँ पर दिव्या देशमुख नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप, देखो आएगा ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन तो आता है ना। तो दिव्या देशमुख ने जीता है। गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन हैज बिकम द लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, तो सबसे लंबा है, कितने किलोमीटर का है सबको याद है ना। कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल पिटाई वाला काम कर रहे हैं। आंसर एकदम गलत सलत भी आ रहा है, क्यों गलत आएगा आंसर जब कल ही पढ़े तो। 762 किलोमीटर है। शुरू का क्लास बहुत ध्यान से देखा कीजिए आप, जैसे आज जो पढ़ाएं कल पूछेंगे और नहीं बताओगे तो फिर वही हाल है तुम लोगों का, क्या बोल रहे हैं। 122 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रूरल एरिया में बना है, जल्दी से बताओगे कि 122 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये जो रूरल एरिया में कहाँ पे बना है, कौन सा स्टेट बनाएगा, कौन सा स्टेट बोला है कि हम 122 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देखिए अब फ्यूचर में बच्चा लोग नहीं तैयारी करेगा बैठ के एसएससी जेईई और सीजीएल का, अब हो सकता है कि यही सब में जाएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा। इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे 122 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया 122 फीट लंबा पोलो स्टैच्यू। तो पोलो स्टैच्यू अमित शाह ने कहां पे इनॉग्रेट किया है? ये इनॉग्रेट किया गया है मणिपुर में। मणिपुर जो है बर्थ प्लेस है गेम्स का, और 122 फीट लंबा पोलो स्टैचू को अमित शाह ने इनॉग्रेट किया गया है, अमित शाह ने किया है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, इसरो ने टाई अप किया है किसके साथ, ताकि स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है इसरो ने। हम तुमसे ज्यादा जल्दी आंसर दे रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, चलिए हम आप देखेंगे टॉप 5 बच्चा कौन आंसर दे रहा है। जो बच्चा का नाम टॉप 5 में नहीं आएगा पिटाएगा, यानी कि सब पिटाएगा 5 को छोड़ के। देखिएगा कि जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन कौन बने, ये थोड़ा सा डाइसी है। ठीक है, तो सयम मेहरा है, सयम मेहरा ये बने। नेक्स्ट सवाल है हाइड्रो टूरिज्म, जल्दी से बताओ यार। हाइड्रो टूरिज्म को डेवलप किया गया है, पानी के अंदर देखा जाएगा कोरल, बताए थे ना पॉलिप, जूजैंथले, रंग बिरंगा। ठीक है, लद्दाख बता रहे हैं बच्चे लोग, उत्तराखंड भी बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी बता रहे हैं, एगो असम को क्यों छोड़ो वो भी बता दो, सब ऑप्शन बता दो। लद्दाख आंसर है, बताए थे, इंदस नदी, लेह, सब बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, सेंटर एम्स टू एलिमिनेट काला आजार। काला आजार जो है भारत से एलिमिनेट किया जाएगा, तो बताएंगे कि किस साल तक काला आजार नाम की बीमारी को भारत से पूरी तरह से मिटा दिया जाने की बात की जा रही है गाइस। यस, 2023 तक, 2000 देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये 4 ऐसे स्टेट है जहां पे बीमारी है काला आजार, इसको पूरी तरह से इस साल हम समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट सवाल, नेशनल पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस चिड़िया के लिए बर्ड दिवस कब मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं ये भी बता दो। वर्ल्ड वाटर डे मार्च के महीना में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे भी बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे, ये बता रहे हैं बच्चे लोग। ये भी बताओ और ये भी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एकदम दिमाग को जितना उपयोग करिएगा उतना उपयोग होगा। वर्ल्ड वाटर डे ठीक है 22 मार्च को, और ये जो है 5 जनवरी को। ऐसा मत सोचो कि मैडम इतना कैसे याद होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, दिमाग के पास कैपेसिटी है, सब याद हो जाएगा, बस पढ़ते जाओ। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, यानी कि पहले के जमाने में जो पत्ता पे पांडुलिपि बनता था उसके लिए म्यूजियम बना है, केरला में बना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, 700 फीट वॉल ऑफ पीस मुराल, वॉल ऑफ पीस मुराल ये बताओगे 700 फीट का, तो ये कहां पे है, केरला में है। बताए थे कल नाम्बूदिरिपाद इनका नाम है, इनका पोर्ट्रेट बनाया गया है, और 250 लैंग्वेज में इस शब्द को लिखा गया है, पीस, शांति, है ना, शांति। यस, नेक्स्ट आप देखेंगे, असम वैभव अवार्ड, असम वैभव अवार्ड किसको दिया गया है, तो तपन साइकिया को दिया गया है, साइकिया को। तुम्हारा बीएसएफ का पेपर है, एचसीएम का। ठीक है, तुम भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कह रहा है मेरा बीएसएफ का पेपर। जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एसएससी जेईई, सीडीएस, एफकैट, बीएसएफ, सीआरपीएफ, करंट अफेयर्स आएगा और यहीं से आएगा, तो इसलिए पढ़ो। इंडियाज ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, ये इनॉग्रेट हुआ है भोपाल में। इसका थीम है वाटर विजन 2047। सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ये ऑर्गेनाइज किया गया है कहां? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्ड किया है बेली सस्पेंशन ब्रिज। बेली सस्पेंशन ब्रिज कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आप देखें मोहम्मद इरफान अली, ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कहां के प्रेसिडेंट हैं? भारतीय मूल के हैं मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली कहां पे हैं? यस, बहुत अच्छे, गुएना के हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आप देखेंगे ओडा कुजल पुरस्कार। ओडा कुजल पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया है? ओडा कुजल पुरस्कार के लिए किसको चयन किया गया है? जल्दी से बताइएगा। ओडा कुजल पुरस्कार ये मिला है अंबिका सुथन मनगाड को। नेक्स्ट मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है गोवा में बन चुका है, किसके नाम पे बना है? तो ये तो बहुत इजी है, ये तो मनोहर पारिकर सबको पता है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, तो मनोहर पारिकर। नेक्स्ट आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेटवर्क बाइंड स्कीम, बाइंड स्कीम में कितना पैसा लगेगा? बाइंड स्कीम में लगेगा 2539.61 करोड़ रुपए लगेगा। ठीक है, अब ये बताओ यार कि ये जो नासा अपोलो 7 एस्ट्रोनॉट, इनका नाम क्या था? इनका नाम था वॉल्टर कनिंगम। इनका निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि ये जो अपोलो 7 है ये लॉन्च किया गया किस साल? अपोलो 7 कब लॉन्च हुआ था? 1968 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वॉल्टर कनिंगम भी थे इसमें, आपको तो पहला का नाम याद है, तो इनको 90 के एज में हटा दिया गया, मतलब इनका निधन हो गया, सॉरी। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा, ये बताइएगा पोखरा जो है ये कहां पे बनाया गया है? चाइना ने बनाया है, नेपाल में बना दिया है। नेपाल के पीएम का नाम क्या है? पुष्पा कमल धल प्रचंड, इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? एकदम सही मिलता है इस स्टेशन पे खाना, आप लोग भी जाके खा सकते हैं। ठीक है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है ईट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम सर्विस इसने ये कहां पे? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी मैच में हैट्रिक मारने वाले फर्स्ट बॉलर कौन है? तो हैट्रिक यहां पे इन्होंने लिया है विकेट इन द फर्स्ट ओवर, पहले ओवर में हैट्रिक। देखिए इनका नाम क्या है? जयदेव इनादकत, सौराष्ट्र के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू नेम अ नेशनल स्टेडियम इन द ऑनर ऑफ फुटबॉलर पेले। पेले के नाम पे यहाँ पे स्टेडियम है, इसका नाम है केप वर्डे। ठीक है, नेशनल स्टेडियम। IFFHS मेंस वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ 2022, बेस्ट प्लेयर ऑफ 2022 ये किसको मिला है? ये लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के कैप्टन है, जीत भी चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप। थीम क्या है? 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। तो बुक फेयर में किस कंट्री को थीम कंट्री बनाया गया है? स्पेन को बनाया गया है थीम कंट्री। HDFC बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेशन के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? यस, हाँ तुम्हारा फेवरेट है, अभी इस साल मेसी सबका फेवरेट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी भी टेंशन है कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रो लेवल से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस साल 2023 जो है वो जॉब का ईयर हो, आपको सारा जॉब जो भी आप सोच रहे हैं उसको निकालना है, तो बहुत ईजी तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। adda247.com पे आपको आना है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे आप टाइप करेंगे और ऑल कोर्सेज पे जाते ही जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी करो, बैंक, SSC, रेलवे, जिस भी एग्जाम की, डिफेंस, आप उस पर बस क्लिक कीजिए। मान लीजिए डिफेंस में आप तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल CRPF एग्जामिनेशन की, अभी ASI हेड कॉन्स्टेबल और ASI और HCM का वैकेंसी आया है, बस आप इस पे क्लिक कीजिए। कोड आपको पता है Y332 आप अप्लाई कीजिए और सिर्फ आपको ये 1609 रुपए का ये बैच मिल जाएगा। आपका इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC की तरह ये एग्जाम है, रीजनिंग और मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप चाहते हैं वो दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वाली मैडम हिंदी पढ़ाती है, ये वाली मैडम इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। तो डिफेंस में आप जा सकते हैं। आप बाकी जिस भी एग्जाम जैसे CDS की तैयारी करते हैं तो CDS के लिए भी आप इस बैच को ले सकते हैं। ये देखिए हमारा अचीवर्स बैच है, बहुत अच्छा चल रहा है और एकदम टॉप पे ये बैच चल रहा है। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। 3 तारीख से ये बैच चल रहा है और अब तो इसकी मतलब वो भी बंद हो जाएगी, वैकेंसी जो है फुल हो चुकी है इसकी, इतने सारे बच्चे आ चुके हैं इस बैच में। तो आप भी इस बैच में आके इनरोल कर सकते हैं। इसमें भी सेम ही आपको करना है, कोड आपको पता ही है Y332, इसको अप्लाई कर देना है। ये 1840 में है। अब कोई बैच 1600 का है, कोई बैच 1800 का है, तुमको लग रहा है क्या लें, कौन सा लें, तो सबसे अच्छा पता है क्या करो, महापैक ले लो, डिफेंस का महापैक। और अगर आप सोच रहे हैं कि डिफेंस का महापैक महंगा है तो कोई बात नहीं, 6 महीना का ले लीजिए। 6 महीने के अंदर जो नौकरी है उसको निकाल लीजिए, Y332 कोड यूज कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 2299 रुपए में आपको ये 6 मंथ का बैच मिल जाता है। महापैक लेने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ना e-books लेने की जरूरत है, ना टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है। उसी तरह इंजीनियरिंग का भी महापैक है। तो आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, आप SSC, JEE, RRB, आने वाले RRB, JEE और बाकी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप महापैक ले लीजिए। जैसे ये सिविल में मान लीजिए आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, मुझे 6 महीने का अगर चाहिए तो 6 मंथ के अंदर सोच लो ना यार कि हमको इस इतने में नौकरी निकालना ही निकालना है। Y332 कोड है, 332, इसको आप यूज कीजिए। 3449 रुपीज में सब कुछ, चाहे आपका वो टेस्ट सीरीज हो, सोल्यूशन हो, वीडियो कोर्सेज हो, इंग्लिश का प्रिपरेशन हो, सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का AE और JEE का एग्जामिनेशन हो, सेंटर का एग्जामिनेशन हो, आने वाले वैकेंसीज को भी महापैक में ऐड कर दिया जाता है। तो दिस इज द थिंग। कोड आपको पता ही है कौन सा इस्तेमाल करना है। जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और रोज सुबह फ्री में करंट अफेयर्स, जो कि बेस्ट करंट अफेयर्स है, अब इससे ज्यादा 1 घंटा में और कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी